कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। MBS अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुई, तो वही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसी को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। मेडिसिन वार्ड में हुआ था हंगामा और तोड़फोड़, रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट का भी आरोप है। पुलिस की समझाइश के बाद हालांकि हंगामा शांत हुआ, पर अब ऐसे में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है, तो निश्चित तौर पर जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो चरमराएंगी। और साथ ही हंगामा किसी की भी वजह से हुआ, पर परेशानी जितने भी यहाँ पर मरीज आने वाले हैं, उनके जो तीमारदार हैं, परिजन हैं, उनको झेलनी पड़ेगी। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, MBS अस्पताल में देर रात हंगामे और तोड़फोड़ प्रकरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। तीन तस्वीरें जरा आप देखिए इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर जब हंगामा हुआ, दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की है, सीसीटीवी फुटेज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो वही तीसरी तस्वीर है रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार से जुड़ी हुई। अब इसी खबर को लेकर, इसी प्रकरण को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुल, देखिए कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है, तो ऐसे में समझाइश का दौर भी यहाँ पर शुरू हुआ होगा, कुछ अपडेट कुछ लग रहा है संभावना? जी देखिए आयुषी जी, अभी कुछ देर पहले जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने MBS अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जाहिर की है, गुस्सा जाहिर किया है, और अस्पताल अधीक्षक हैं उनके समक्ष जो है जाकर जो है वार्ता की है। वार्ता जो है बेनतीजा रही है, उसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। डॉक्टर्स की मांग थी कि जब तक जिन लोगों ने जो मृतका के परिजन हैं उन्होंने तोड़फोड़ की है, मारपीट जैसी घटना की है, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वह जो है हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ तक कि जो रेजिडेंट डॉक्टर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जो है चेतावनी दी है कि यदि आज किसी भी कंडीशन में जो परिजन है जिन्होंने मारपीट और तोड़फोड़ की है, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, दिनों में कल या परसों में स्टेट लेवल पर जो है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं। अभी जो है समझाइश का दौर जारी है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं माने हैं। MBS अस्पताल में जो है अब जो है चिकित्सा व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाने लगी है। ऐसे में सीनियर डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनको जो है यहाँ पर लगाया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है रेजिडेंट डॉक्टर की जगह पर। करीब कोटा के MBS अस्पताल, जेके लोन अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, इसमें 350 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो तीनों जगह पर जो है व्यवस्था को संभालते हैं। कह सकते हैं कि अस्पताल में जो है रीढ़ की हड्डी जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, तो ऐसे में उनकी हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई है। वार्ता का दौर जारी है, लेकिन अभी तक जो है वार्ता बेनतीजा ही रही है। हालांकि पुलिस ने जो है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, तीन चार लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है, और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी मांग की है कि सख्त धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जी बिल्कुल गुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।